अगर आगे लिखते हैं कि किसी कारण हमारे शहर में हिंदू मुस्लिम लोगों का दंगा हो गया, पिताजी ने धोती उठा ली, कुर्ती की बाहें चला ली और पहाड़ी मोटा डंडा लेकर वे दाया हाथ उस डंडे को संभालते हुए बाया हाथ तेजी से हिलाते हुए वे जहां पर दंगाई थे वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि ये जो आप दंगा कर रहे हो ये सही बात नहीं है और मैं यहां पर दंगा करने के लिए झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूं, अगर झगड़ा करने के लिए यहां पर आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। ये डंडा सिर्फ मैंने आत्मरक्षा के लिए साथ लाया है, आत्मरक्षा यानी खुद की रक्षा करने के लिए। और उन्होंने उनसे आगे कहा कि चार ने एक को पीट दिया तो उसने क्या बहादुरी दिखाई, और धर्म का नाता है तो आस पड़ोस का इंसानियत का नाता भी है। ये दंगे चलेंगे, दो दिन चलेंगे, चार दिन चलेंगे, लेकिन पांचवें दिन आपको सुलह से साथ में रहना है और चार लोग अगर मिलते हैं उन्हें समझदारी की बात करनी चाहिए। ये सारी बातें पिताजी ने उन्हें समझाई और आगे कहा कि 50 हिंदू या मुस्लिम बन जाए तो न हिंदू पर खत्म होगा न इस्लाम खत्म होगा। भला इसी में कि हमें अगर साथ रहना है तो हमें बहन से रहना चाहिए। ये बातें उन्होंने उनको समझाई, पिताजी के बातों का असर हुआ और लोगों ने झगड़ा करना बंद कर दिया और बाद में हमारे शहर में कभी दंगे हुए फिर भी हमारे मोहल्ले में शांति बनी।